Hello dear friends, welcome to our study channel WSBC's classes. Dear friends, आज next subject का practice set लेकर के आए हैं, वो भी class 10th का, जो कि इस बार board exam में पूछने के 100% chances हैं. Class 10th का, वो भी उर्दू. जो मुस्लिम student हैं, वो तो जरूर देखें इस video को, काफी helpful होगी video. तो dear friends, जो कि दो के रूप में लाया हूँ, और ये 100% chances हैं board के exam में पूछने के. तो dear friends, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक शेयर करें. तो डियर फ्रेंड, समय को बचाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डियर फ्रेंड, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं. तो डियर फ्रेंड, इस तरह आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के हैं. तो डियर फ्रेंड, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है डियर फ्रेंड, वो है आपका कि शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए. तो इसका जवाब हो जाएगा डियर फ्रेंड, सीतामढ़ी, यानी कि पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में. रकिया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो डियर फ्रेंड, भाभी जान का किरदार है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरार किसका अफसाना है? तो डियर फ्रेंड, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है. डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में MA कब किया? इन्होंने नफ्सियात में MA कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ हैं? तो तसनीफ है, तो डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमर जहां की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगार अजीम ने किस मजमून में MA किया? तो डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू और फारसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मनाकद हुआ? तो डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, सर सैयद की तालीम व तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वालिद के निगरानी में हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इन में अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादतुल एतदाल. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई? तो डियर फ्रेंड, इसकी शादी, इनकी जो शादी हुई थी 14 साल की उम्र में हुई थी. आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए. तो देखना है यहाँ पर से आगा हसर का कोई एक ड्रामा कौन सा हो सकता है, इसमें दी हुई जो दिया गया है इसमें कौन सा अफसाना हो सकता है डियर फ्रेंड, आगा हसर का, सॉरी ड्रामा. डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुस्तम व सोहराब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कि सूरज ग्रहण कैसा वाक्या है? तो डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा तारीखी वाक्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डियर फ्रेंड, नाविल जो है तौबतुन नसू के मुसन्निफ कौन है? डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नज़ीर अहमद की है. 15वां क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, मकातीब का वाहिद क्या होता है? मकातीब का मकतूब हो जाएगा डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मकतूब. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. आपसी तबादला ख्यालात का मुअज्ज़ज़ ज़रिया क्या है? तो डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खतूत. नेक्स्ट क्वेश्चन, शहबाज किस ओहदा पर फायज थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज़ामीन महदी की अहम खसूसियात क्या है? तो डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलकशी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी की वफ़ात कब हुई? राजेंद्र सिंह बेदी की वफ़ात जो है, मतलब उनका इंतकाल कब हुआ था? तो उनका इंतकाल जो हुआ था 1984 ईस्वी में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? तो चकबस्त की पैदाइश डियर फ्रेंड जो हुई थी, वो हुई थी फैज़ाबाद में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं. 21 कहता है डियर फ्रेंड, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो डियर फ्रेंड, सब लोग इसका जवाब जानते होंगे, दिल्ली में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेज़ सादी ने
परवेज शाहिदी ने किस साल मैट्रिक पास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी में। फिल्मी सनत में नदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगमा निगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? इनका जन्म जो हुआ था लाहौर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। गालिब के आबाओ व अजदा कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जा जेल में मसनबी निगार शायर कौन थे? तो डियर फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा मीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है डियर फ्रेंड, नसीम के वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड, नसीम की वफ़ात कब हुई? इनकी वफ़ात 1845 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, मशहफ़ी के उर्दू फारसी के कितने दीवान तैयार हुए? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुबारक अजीम आबादी उर्दू के साथ किस जुबान में शायरी करते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फारसी में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड, हसन नईम का असल नाम क्या था? हसन नईम का असल नाम था सैयद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवीण साकिर ने पीएचडी कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, इरफान सिद्दीकी के वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का क्या नाम था? तो डियर फ्रेंड इसका सुलेमान अहमद सिद्दीकी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड, जफ़र गोरखपुरी कि शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? डियर फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम बुनियादी तौर पर किस सिनफ के शायर थे? डियर फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड, शताब की जिद क्या होगी? मतलब उल्टा पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड, इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाता है डियर फ्रेंड्स, तसंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड, 37 क्वेश्चन नंबर कहता है, वल्द की जमा क्या होगा डियर फ्रेंड? तो वल्द की जमा जो होती है वो होती है औलाद। वल्द बोले तो एक औलाद और एक जो होते हैं ना वो, और औलाद का मतलब बहुत जो लड़का लड़की जो कि सभी मिला कर की होगी डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, फर्श का फाल क्या होगा डियर फ्रेंड्स? फर्श का फाल जो होगा वो हो जाएगा फर्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्जा जेल में कन्नित की मिसाल तलाश कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक ये अच्छा लगा होगा सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं जद का मतरादिफ का मतलब भी डियर फ्रेंड्स उल्टा ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समसुल लोमा किस इस्म का मिसाल है? तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खताब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड, मैं कौन सिगा है? तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहिद मुतक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, 43 के फैल मारूफ की मिसाल दीजिए। फैल मारूफ की मिसाल जो होगी डियर फ्रेंड्स वो होगी वह पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड, 44 इसमें कहता है, अकरम रोटी खाता है मैं अकरम क्या है? तो डियर फ्रेंड ये तो एक नाम है, और नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजी तमन्नाई की मिसाल दीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा डियर फ्रेंड, माजी मतलब जो
डियर फ्रेंड्स, इसका माजी तमन्नाई का की मिसाल दीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर मैं जाता। यानी कि माजी का मतलब जो आने वाला जो दिन होता है, मतलब कहिए तो भविष्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, हकीकत की जमा क्या होगी। तो डियर फ्रेंड, हकीकत की जमा जो हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगी आपका जो हो जाएगा हकायक हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहना से हासिल मशद्दत बनाइए। मशद्दत बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हामिद तुम मत खेलो में मत खेलो कौन फ़ाइल है। डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ़ाइल नहीं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इसमें हासिल मशद्दद क्या है। तो डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घबराहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद की टोपी किसकी मिसाल है। तो डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज़ाफ। तो डियर फ्रेंड, आई थिंक अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को शेयर कर दें। जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं डियर फ्रेंड, इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।